कपिंग थेरेपी के काफ़ी सारे फ़ायदे सुने थे मैंने। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल रिलैक्स होते हैं और एक्नेस वगैरह इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो सोचा मैं भी करा ही लूँ ये कपिंग थेरेपी। तो फेस पे 3 और बैक पे 5 लगाने वाला हूँ। बैक पे फेस पे क्या क्या और क्या लगेगा? मेरे साथ सीलिंग भी लगाने वाले हैं नीचे बैक पे और फेस पे भी। तो ये जो भी देख रहे हो ना, ये कपिंग थेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं। प्लास्टिक के कप होते हैं, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है, रियूजेबल नहीं। तो सबसे पहले बैक से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो मेरा जो बैक का लाइन था ना, वहाँ पे मेरा कप बैठ नहीं रहा था, उन्होंने कहा थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो, तो फिर मैंने थोड़ा फ्लेक्स किया, तब जाके वो बैक पे बैठा कप। तो सबसे पहले उसे सक्शन से सक किया जाता है ताकि थोड़ा सा वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाए। तो सेम इसी तरह मैं अपने पूरे बैक पे 5 कप लगाने वाला हूँ, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे और एक लोअर बैक पे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पेन है मुझे, क्योंकि डेडलिफ्ट मारते समय एक एक बार लोअर बैक पे जब लोड आता है तो पेन ज़्यादा होता है। आप देख रहे हो पूरा 5 कप लुक चुके हैं मेरे बैक पे, पूरे एकदम परफेक्ट वे से देख रहे हो। तो बैक के बाद नेक्स्ट स्टेप पे फेस, डिपेंड अपॉन अपने एक्ने के ऊपर है आपको कितने कप लगेंगे। मेरे फ्रेंड को 4 कप लगे थे, नीचे वाले दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड बड़े कप है, और फोरहेड पे जो है छोटा कप होता है, उतना बड़ा कप नहीं होता है जितना कि अपने फेस पे और बैक पे देख रहे हो आप। तो मुझे तो 3 ही कप लगे थे, 2 फेस पे और 1 फोरहेड पे। थोड़ा सा पेन भी होगा फेस पे क्योंकि फेस का स्किन थोड़ा स्मूथ होता है। तो इसके बाद ब्लेड, तो इससे जो है स्मॉल स्मॉल पोर ओपन करेंगे स्किन का जहाँ से ब्लड आता है बाहर। तो एक कप सब बैक पे निकाल दिया जाएगा आपका। उसके बाद देख रहे हो स्मॉल स्मॉल होल्स करेंगे स्किन पे जहाँ से ब्लड हो, जो भी वेस्ट ब्लड होता है वो बाहर आता है। तो ये होता है मेन कपिंग थेरेपी, इसका सेकंड स्टेप है ये पोर्स को ओपन करना। इसी तरह मेरे जहाँ जहाँ पे भी कप लगाए हैं वहाँ पे स्मॉल स्मॉल एक 10 to 15 होल्स कर देंगे स्किन पे। तो फिर होल्स करने के बाद सेम इसी तरह फर्स्ट जैसे सक किया वैसे ही सक हो जाएगा। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आ रहा है, फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा है लेकिन बहुत सारा ब्लड जमा होगा यहाँ पे ज़्यादा आ चुका है ब्लड। तो जिसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है वो आगे करके देखिए, क्योंकि थोड़े थोड़े लोगों को थोड़ा ब्लड देखे कुछ फील होता है उनको अलग ही, उनके लिए थोड़ा ये हार्ड ही होगा। फेस पे भी इसी तरह किया जाएगा। आप देख रहे हो ऑलरेडी मेरे फेस के ऊपर फोरहेड के ऊपर मार्क गिर चुका है, फेस पे भी ज़्यादातर मार्क गिर ही जाएगा क्योंकि बहुत सारा मार्क पड़ता है। तो मैं बता दूं कि मार्क 3-4 दिन में चला जाएगा, मेरा भी मार्क 4 दिन तक रहा था उसके बाद चला गया था। तो मेरे फेस से जो भी वेस्ट ब्लड है वो बाहर निकल के आएगा। अब एक 15 मिनट्स ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि तब तक वेस्ट ब्लड आ चुका है। देखिए जेलिस जो है ये वेस्ट ब्लड है, ये पूरा वेस्ट ब्लड जो है बाहर कप में आ जाएगा, फिर वो फेंक दिया जाएगा। इसी तरह मेरे हर एक बैक में जहाँ जहाँ भी कप लगे हुए हैं वहाँ पे वेस्ट ब्लड आता ही आएगा। एक एक जगह ज़्यादा आता है, एक एक जगह कम आता है। मेरे लेफ्ट साइड पर थोड़ा ज़्यादा आ गया था और फेस पे भी लेफ्ट भी ऑलमोस्ट हर जगह ही ज़्यादा है, पर कंपेयर टू दैट ये थोड़ा ज़्यादा था ये साइड वाला, और ये ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा ही आ चुका है। कपिंग थेरेपी का मेन ये एक है कि जहाँ जहाँ पे भी पोर्स होते हैं ना, अभी जहाँ पे उसने ब्लेड से पोर किया हुआ है वहाँ पे जैसे ही सक होने के बाद ब्लड नहीं आता है। आप देख रहे हो जैसे उसने क्लीन कर दिया वहाँ पे ब्लड फिर से नहीं आ रहा है, और उससे थोड़ा साफ़ कर दिया जाएगा क्योंकि पोर्स ओपन होंगे, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फेस पे तो बहुत क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि फेस पे बहुत ब्लड आता है कंपेयर टू बैक, और ऊपर से पोर्स ओपन होते हैं ना, कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जाना। थोड़ा स्पिरिट से आप अपना मुँह धो ले सकते हो, और उन्होंने कहा था कि मुझे फेस वॉश मत करना 2 दिन, तो 2 दिन फेस वॉश मत करना आप भी क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं ना, कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसकी कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, मुझे 60 रुपीज़ पर कप लगा था और मुझे 8 कप्स लगे थे, और डिपेंड अपॉन आपके सिटी में कितना होगा। एक्ने वो फेस पे कराना चाहिए, उससे एक्ने भी कम हो जाते हैं, और ये करने के बाद हम तो एकदम से जोकर लग रहे थे। तो ये वो मार्क्स है जो मेरे फेस पे है, देख सकते हो आप। तो D2 फेस का मार्क
तो ये बैग के मार्क है, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है बैग पे, तुमने क्या करा लिया है। तो मैंने कपिंग थेरेपी कराया और काफ़ी सारे लोग तो बोल रहे थे कि यार तुमने स्टेरॉइड्स लिए। नहीं, तो ये मेरा फोर्थ डे का है वीडियो, आप देख सकते हो मार्क तो चला गया है काफ़ी। एक्ने, हाँ एक्ने उसके बाद एक दो होते हैं क्योंकि पोर्स ओपन रहते हैं ना, वही एक्ने होते हैं थोड़ा सा।